हेलो फ्रेंड्स, मैं सरल सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सैंडविच की रेसिपी। यूं तो हम सैंडविचेस में कई तरीके की सॉसेस यूज करते हैं, मेयोनीज यूज करते हैं, बट आज मैं आपको दिखाऊंगी एक बिल्कुल कैफे स्टाइल सैंडविच जिसको कि मैंने नाम दिया है पनीर टिक्का सैंडविच। इसको बनाना बहुत ही इजी है। पनीर टिक्का के नाम से आप घबराइएगा नहीं कि बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक पनीर टिक्के वाला। तो फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आप भी हूबहू इस रेसिपी को रेप्लिकेट कर पाए। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पे पनीर टिक्का सैंडविच की हम सबसे पहले फिलिंग बनाते हैं। तो फिलिंग के लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक छोटा स्पून, 1 टीस्पून सरसों का तेल, जिसको मैंने अच्छे से गरम करके और फिर उसको थोड़ा ठंडा कर दिया है। तो बिल्कुल आपको कच्चा नहीं लेना है सरसों का तेल, उसको पहले अच्छे से औटा लीजिए और फिर उसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले। तो यहाँ पे है 1/4 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च, इससे आपको बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा अपनी फिलिंग में। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला, इसके बाद 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, फिर 1/4 टीस्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा, जो कि जीरा पाउडर। तो मैंने घर पे ही जीरे को भून लिया है अच्छे से और अब हम इन सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्पाइसेस हैं उनका कलर भी आ जाएगा, उनका अरोमा भी ऑयल में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि जो हमने ऑयल लिया था, सरसों का तेल लिया था और उसको हमने गरम रखा था, बहुत ज्यादा बॉइलिंग हॉट नहीं था बट उसको हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए थे। तो इसके अंदर अब नेक्स्ट मैं डालूंगी अपनी सब्जियां। अब इसके अंदर मैं यूज कर रही हूँ, ये है मेरे पास हंग कर्ड। तो इसको मैंने 2 घंटे के लिए दही को अच्छे से छलनी में रख दिया था, तो आप देख सकते हैं कितना ठीक है ये दही। तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल हेल्दी हम इसमें ये दही को यूज कर रहे हैं, कोई हम मेयोनीज नहीं यूज कर रहे हैं इसमें, कोई बाजार की सॉस नहीं यूज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस सैंडविच को बहुत ही टेस्टी तो है ही और साथ ही ये बहुत हेल्दी भी है। तो अब मैं इन चीजों को मिक्स कर दूंगी। एक्चुअली ये हम अपना मैरिनेट तैयार कर रहे हैं टिक्का स्टफिंग के लिए, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब बारी है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज डालने की, जिससे कि बिल्कुल पनीर टिक्का वाला फ्लेवर आएगा। कोई आपको बाजार के टिक्का मसाले की जरूरत नहीं है। आप एक छोटा सा पैन लीजिएगा और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बटर, 1 टीस्पून जितना बटर है ये, और इसमें मैं सिर्फ 1 टीस्पून जितना ऐड कर रही हूँ मैं बेसन। तो इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, तो इससे वो नटी टेक्सचर आएगा हमारे स्टफिंग में। बहुत ज्यादा आपको इसको नहीं पकाना है, बहुत ही लो फ्लेम पे मैं इसको बटर में भून रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी ऑयल में या सरसों के तेल में भी इसको भून सकते हैं, और बेसन बहुत जल्दी भूनता है तो ध्यान से लो फ्लेम पे इसको भूने। तो बस 30 सेकेंड्स में ही हमारा भून के बिल्कुल तैयार है। तो इसको अब मैं ऐड कर लूंगी हमारे दही वाले मिक्सचर में। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये भुन गया है, तो मैं इसको इसमें ऐड कर लेती हूँ। अगर आप इस स्टेप को करेंगे तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा आपके सैंडविचेस में, बट अगर किसी रीजन से आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें जो भी हमने सब्जियां ली थी, गाजर, पनीर, कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, सबको आप इसमें डाल दें और अच्छे से इसको मिक्स कर दें। तो सभी सब्जियां हमारी अच्छे से कोट हो गई हैं। तो हमारी सैंडविच की फिलिंग बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब अपने सैंडविचेस को कैसे हमें बनाना है विदाउट यूजिंग एनी ग्रिल सैंडविच मेकर, सिर्फ नॉर्मल तवे पे, लोहे के तवे पे हम अच्छे सैंडविचेस कैसे बना सकते हैं, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, कढ़ाई पैन, आप कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे बस मैंने
आधा टीस्पून जितना बटर डाला है। आप अगर नॉनस्टिक पैन ले रहे हैं तो आप उसमें बटर मत ऐड करिएगा। और अब जो हमने अपना मैरिनेशन तैयार किया था उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि जो भी सब्जियां हमने ली थी वो कुक्ड नहीं थी, कच्ची ली थी हमने वो सब सब्जियां, तो मैं उसको हम निकाल लेंगे और इसको हम करीब 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो सभी मसाले सभी सब्जियां हमारी बहुत ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस 5 मिनट के लिए हम इन सब्जियों को कुक कर लेंगे जिससे कि जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए तो हम इसकी लिड कवर करके इसको बस 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो लो फ्लेम पे आप इसको कुक करें। तो आप देख सकते हैं 7 मिनट हो गए हैं और इतने अच्छे से हमारी जो सब्जियां हैं वो कुक हो गई हैं। तो आइए चलते हैं अब अपने सैंडविच बनाने की तरफ। तो सैंडविचेस हम बिना किसी ग्रिल मेकर या टोस्टर के या सैंडविच मेकर के बनाएंगे, तवे पे नॉर्मल जो रोटी वाला तवा होता है उसको यूज करके हम कैसे परफेक्ट कैफे स्टाइल सैंडविच बना सकते हैं आज हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास व्हीट ब्रेड है, तो आप किसी भी टाइप की ब्रेड ले सकते हैं, व्हीट ब्रेड, होल ग्रेन ब्रेड या मल्टी ग्रेन या नॉर्मल व्हाइट ब्रेड जो कि सैंडविच ब्रेड होती है। और अब हम इसमें कोई चटनी नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, और अब हम इसमें अपनी फिलिंग को ऐड करेंगे। तो जो फिलिंग है वो आप अच्छे से लगाइएगा। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा। आप जितना प्रेस करेंगे अच्छे से अभी भी और तवे पे जब हम सेकेंगे तब भी, तो जो स्टफिंग होगी वो बिल्कुल स्टिक हो जाएगी ब्रेड से और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। यही होता है जब हम सैंडविच मेकर या ग्रिल सैंडविच में ग्रिल जब हम ग्रिलिंग करते हैं सैंडविचेस की, तो उसमें भी अच्छे से प्रेस हो जाता है। यही रीजन है कि वो सैंडविचेस बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। इसको हम साइड करते हैं। सिमिलरली हम अपना दूसरा सैंडविच भी रेडी कर लेते हैं। यूं तो ये पनीर टिक्का सैंडविच है, लेकिन आपको आपने देखा कि इसको हमने बहुत ज़्यादा हमने बिल्कुल मैरिनेशन के लिए रखा नहीं है इसको, और तब भी इसका जो टेस्ट है वो सुपर यमी आएगा। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल रोटी वाला तवा दिया है। यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखें, कभी भी ऑयल में ब्रेड को ना सेकें। या तो आप बटर यूज करें या फिर आप घी यूज करें। तो यहाँ मैं बटर यूज कर रही हूँ। तवा मेरा अच्छे से गरम है और इसके ऊपर मैं अपना जो ब्रेड सैंडविच जो हमने तैयार किया था फिलिंग लगा के उसको प्लेस कर दूंगी। लोहे का तवा है तो लोहे का तवा अच्छे से गरम होना जरूरी है और इसको आप अच्छे से दबा के जरूर सेकिएगा। जितने अच्छे से दबाएंगे उतने अच्छे से फिलिंग अंदर स्टिक होगी, क्योंकि कोई हमने केचप का यहाँ पे यूज नहीं करा है। तो अगेन फ्लिप करने से पहले मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ और अब हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गोल्डन, लाइट गोल्डन ब्राउन इस पे कलर आया है। शुरू में तवा अच्छे से गर्म रखिएगा और उसके बाद उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको कुक करिएगा। तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छा कलर आया है इसके। तो आप इसको जितना ज्यादा सेकना चाहते हैं, जितना क्रिस्प करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप सेक सकते हैं। और अब मैं इसको आप इसको डिजायर्ड शेप एंड साइज में कट कर सकते हैं। मैं आपको कट करके इसको दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि बहुत ही कलरफुल और बहुत ही जूसी एंड यमी लग रहा है ये। तो इसी तरह हम अपने सभी सैंडविचेस तैयार कर लेते हैं।